150 रुपया, उसमें भी 50 रुपया कम ही है क्या? उसमें हमारी आंगनबाड़ी सेविका घर पर परिवार चलाएगी? बिना हस्बैंड के मदद किए हुए उनका एक भी कदम उस 6000 रुपया में आगे नहीं बढ़ेगा। हम उस सरकार से पूछना चाहती हूँ जो अपने सरकारी कार्यकाल में न्यूनतम मजदूरी एक मजदूर का कितना है, उस मजदूर से भी हम लोगों की बदतर हाल बना के रखे हुए हैं ये सरकार। तो इसीलिए आप लोग धरना दिए हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई आर पार की है, और ये सरकार जो नहीं सुन रही है उसका उसको कहते हैं जिसकी आगाज इतनी अच्छी है उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमारी लड़ाई छिड़ चुकी है, और लड़ाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, सेविकाओं को अभी 5950 रुपया मिलता है, 25000 रुपया नहीं दिया जाएगा, सहायिकाओं को 18000 रुपया नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई आर पार की चलती रहेगी, और आगे भी हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे। किसी का नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। में किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और ना धमकी से हमारी लड़ाई समाप्त होगी। फिर इतना दिन जो है जनता का समस्या है उसको भी तो देखना होगा। अरे हमारे हम जनता का समस्या तो देख ही रहे हैं, हमारी समस्या सुनने वाला कौन है? सरकार आपका समस्या सरकार है, समस्या आप प्रदेश अध्यक्ष आप पहुंचाइए ना, आप पहुंचाइए। मेरा काम है सरकार तक पहुंचाना, लेकिन आपका संगठन है प्रदेश अध्यक्ष है तो वो बात करेंगे ना, तब तक जनता की प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। कल ही आए हुए थे दरभंगा में, वो भी मीडिया के सामने में बताया है जब तक ये लड़ाई सरकार इस बार नहीं मानेगी हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे, नहीं आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हमारी सेविका भी आंदोलन करेगी, वो सड़क जाम करे, जेल जाए, जेल जाना भी पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लाठी चलेगी लाठी खाएंगे, गोली चलेगी गोली खाएंगे। कितने दिन से धरना दिए हुए हैं? एक सप्ताह से। क्या कोई पदाधिकारी आपको सूद लेने के लिए यहाँ पहुँचे कि किसी लिए धरना दिए है नहीं किए? पदाधिकारी का तो काम ही नहीं है सूद लेना, वो तो केवल अपना काम थोपती है, वो काम थोपती है। हमारी बहने कहती है हमें तो पदाधिकारी सपनों में आती है, पदाधिकारी हमारी बहनों को सपने में भी आती है, वो तो डराने का काम करती है, सूद लेने का काम क्या करेगी? लोगों को 6000 रुपया महीना मिलता है, आप सोच सकते हैं इतनी महंगाई के दौर में 6000 में किस तरह ये लोग अपने जो है परिवार को पालन पोषण करेंगे, परिवार को चलाएंगे, और लोग हैं उनसे भी जानेंगे। बताइए चाचा जी, महंगाई है क्या, आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? बिहार की सेविका सहायिकाएं 29 सितंबर से हड़ताल पर डटी हुई, और पिछले साल भी 54 दिन तक हड़ताल इन लोगों का चला था, और सरकार ने समझौता किया था इन लोगों से, लेकिन सरकार अभी तक उस समझौता को लागू नहीं किया है, इसीलिए इन्हें पुनः हड़ताल करने की आवश्यकता बिहार के अंदर पड़ी है। दूसरी बात, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आंगनबाड़ी का काम करने के बाद भी सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने का काम करते हैं, 24 घंटा ये ड्यूटी देने का काम करते हैं, परंतु इनके मान सम्मान की रक्षा की बात सरकार नहीं सोचती है। और इसी देश के अंदर केरल में सेविका सहायिका को 19000 रुपया मानदेय दिया जाता है, और इसी देश के अंदर बिहार है जहां सेविका को 6000 रुपया और सहायिका को 3000 रुपया देने का काम सरकार कर रही है। अभी महागठबंधन सरकार ने पिछले दिनों चुनाव में वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इनके समस्याओं का निदान करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश के उद्योगपतियों के एजेंडे पर चलती है उसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का कष्ट मंजूर देखने को नहीं मिलता है, और हम कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका किसी भी सरकारी कर...